उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने डिप्टी सीएम के दावे को फर्जी बताते हुए उनकी चुटकी ली। बता दें, डिप्टी सीएम ने दावे के दौरान सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। चुनाव जीतने के बाद सपा ने किसान को निशाना बनाया, जिसमें महिला की मौत हो गई। अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। का आगाज हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग 272 प्लस 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक लक्ष्य रखा गया था और 2017 में 300 पार का लक्ष्य रखा गया था और 2019 में भी देश की संसद में 300 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीते हुआ लक्ष्य भी पूरा हुआ है। 2022 में भी हम लोग 300 पार का लक्ष्य रखे थे, थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन जो 400 पार कर रहे थे वो तो कहीं टिके नहीं। तो 2024 में 400 पार का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। केशव प्रसाद मौर्य जी कोई भी दावा कर सकते हैं, जो खुद अपनी सीट नहीं जीते हैं वो 400 क्या 500 600 का भी दावा कर सकते हैं। हम समझते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था उसका सम्मान करना चाहिए। गड्ढा मुक्त सड़कों के जो वादे किए थे, नौजवानों से जो वादे किए थे, महंगाई जो अपना सारी सीमाएँ तोड़ चुकी है, किसानों की आय के संबंध में जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की तरफ सोचना चाहिए। लोकसभा चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य का सवाल है।